أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. आपको ये बात बखूबी मालूम है कि अल्लाह अहकम हाकिमीन ने कुरान करीम में बहुत से अंबिया कराम के हालात और वाकयात बयान फरमाए हैं। बाद नबियों के अल्लाह ने वाकयात तफसील से बयान फरमाए, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, और बाद के अल्लाह ने वाकयात इजमालन मुख्तसरन बयान फरमाए। बाद के अल्लाह सिर्फ नाम बयान किए, उनके वाकयात नहीं बयान किए, और बाद के अल्लाह ने नाम भी बयान नहीं किए। वरुसुलन कद कससनाहुम अलैक मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुछ रसूलों के वाकयात आपको बयान किए और कुछ के नहीं बयान किए। तो जिन रसूलों के अल्लाह ने वाकयात बयान किए हैं, इंशाअल्लाह हमारा उस हवाले से गुफ्तगू चलती रहेगी। आज हमारी गुफ्तगू दो नबियों के हवाले से है, दो नबियों के, जिनमें से एक का तो अल्लाह ने नाम भी बयान नहीं किया कुरान करीम में, और दूसरे नबी का अल्लाह ने नाम बयान किया लेकिन मुख्तसरन सिर्फ दो तीन अल्फाज के बारे में फरमाए। मेरी मुराद एक सैयदना शीस अलैहिस्सलाम है, शीस अलैहिस्सलाम, और दूसरे इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान करीम में दो मुकामात पर तज़किरा फरमाया, लेकिन शीस अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में कोई तज़किरा नहीं है। उनका तज़किरा हदीस में है, अगरचे उस हदीस को बाद में ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन बहरहाल मुअर्रिखीन, कुतुब सीरत, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, हत्ता के इसराइली रिवायात में भी शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है और उनको बतौर नबी जिक्र किया गया है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्ला ने भी उनको बतौर नबी जिक्र किया है। शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इनको हिबतुल्लाह, अल्लाह की खास इनायत, अल्लाह का खास तोहफा, अल्लाह की तरफ से अता, ये उनका लक़ब, उनका नाम था। ये शीस का माना हिबतुल्लाह, और ये नेमत अल्लाह ने कब अता फरमाई आदम अलैहिस्सलाम को, कि जब उनके चहेते बेटे, जिनका वाकया बखूबी मालूम है, हाबील, हाबील को जब काबील ने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, वो वाकया अल्लाह सूरह मायदा में बयान किया, वत्लु अलैहिन नबअ बनी आदम बिलहक إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. इनको आदम के दो बेटों का किस्सा सुनाओ, जब उन्होंने अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमा ली और दूसरे की कुर्बानी अल्लाह ने रद्द फरमा ली। तो जिसकी कुर्बानी रद्द कर दी गई उसने कहा लअक्तुलन्नक, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। قال انما يتقبل الله من المتقين, तो उसने जवाब में कहा कि अल्लाह तो उसकी कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। तो ये वाकया हाबील और काबील का है कि आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये रसूल ये था कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह एक हमल में बेटा और बेटी अता फरमाते और फिर अगले हमल में फिर बेटा और बेटी होते। तो पहले हमल के बेटे का दूसरे हमल की बेटी से निकाह होता और दूसरे हमल के बेटे की का निकाह पहले हमल की बेटी से हो जाता, यानी एक हमल का बेटा दूसरे हमल की बेटी से निकाह होता। तो बहन भाई का निकाह उस शरीयत में आदम अलैहिस्सलाम के जमाना में जायज था, क्योंकि इसके अलावा कोई और हल नहीं था। अब
जो काबील था, जो उसकी बहन थी, जो उसके साथ पैदा हुई थी, वो खूबसूरत थी, और हाबील के साथ जो उसकी बहन पैदा हुई थी वो उतनी निस्बतन खूबसूरत नहीं थी। तो अब हाबील ने काबील की बहन से निकाह करना चाहा, जो कि असलन उसका हक बनता था। काबील को ये बात दोबारा नहीं की, वो चाहता खुद निकाह कर ले अपनी बहन से, तो उसने इनकार कर दिया। तो इस पर बहस झगड़ा शुरू हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया काबील को, इसका हक है, इसको निकाह करने दो। उसने कहा नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम दोनों कुर्बानी पेश कर लो, जिसकी अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा लेगा उसकी बात मान ली जाएगी। तो कुर्बानी का उसूल क्या था कि कोई चीज अल्लाह के हुजूर पेश कर दो, कुर्बानी के लिए मुकर्रर कर दो। आग आती थी, आग आकर उसको जला देती थी, तो जिसको आग जला दे समझ लो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमा ली। तो हाबील ने बड़ा उमदा जानवर, छतरा या दुम्बा पेश किया, बड़ा आला किस्म का, क्योंकि वो बकरियों को चराने वाला था, उसके यहाँ बकरियां वाला थी, बड़ा अच्छा उसने जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया। और काबील ने रद्दी किस्म का अनाज कुर्बानी के लिए पेश किया, जो कि उसकी निगाह में बड़ा बेकार था। तो अल्लाह की तरफ से आग आई और आकर हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई और काबील की कुर्बानी रद्द कर दी गई। इस पर उसको गुस्सा हसद में आ गया कि मैं तेरी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल क्यों कर ली। इस पर उसको बड़ा गुस्सा आया। तो मुअल्लिफीन ने बयान किया कि एक रात हाबील जानवर चराते हुए लेट हो गया और ना पहुंच सका, तो आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को भेजा कि जाओ ढूंढ के लाओ, तुम्हारा भाई नहीं आया, बहुत देर हो गई है। तो जब काबील ढूंढने गया तो उसको बाहर मिल गया हाबील, वो जानवर लेके आ रहा था। बाद में कहा कि हाबील उसको सोई हालत में मिल गया, सो रहा था। तो इस जालिम को गुस्सा आया, इसने कहा तेरी कुर्बानी कबूल क्यों हो, मेरी कुर्बानी कबूल क्यों ना हो, तो मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो हाबील ने कहा लइन बसत इलैय यदक लतक्तुलनी मा अना बिबासित यदी इलैक लिक्तुलक, अगर तू अपना हाथ बढ़ाएगा मुझे कत्ल करने के लिए मैं नहीं बढ़ाऊंगा। और यही हमारे लिए इन फितनों के दौर में आप नसीहत है, कुम बि इब्न आदम, आदम के बेटे की मानिंद हो जाना। जब दुश्मन आ जाए मारने के लिए, फितना अब जो हमारे मुल्कों में फितना फैला हुआ है, सब फितना और फसाद जिहाद के नाम पर, फी सबीलिल्लाह के नाम पर इख्तदार किया जा रहा। फरमाया तुम आप इब्ने आदम की मदद हो जाना, तुम ना आगे बढ़ना, तुम मजलूम हालत में इब्ने आदम की तरह, हाबील की तरह हो जाना, काबील की तरह ना होना। तो उस जालिम ने अपने भाई को पत्थर मारकर शहीद कर दिया। ये पहला कत्ल था इंसानी तारीख में, पहला कत्ल, पहला जुर्म था जो इंसानी तारीख में हुआ। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम का बेटा और पहला बेटा, यानी जो कत्ल हो गया उनकी निगाह में, इससे पहले कोई इंसान कत्ल ही नहीं हुआ था, कितना को गम पहुंचा होगा, कितना उन्हें सदमा पहुंचा होगा। तो अल्लाह ने फिर उनको शीस अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया, खूबसूरत, बड़ा वजीह। और शीस अलैहिस्सलाम के बारे में अबू ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ فرمایا، جو کہ ابن حبان میں ہے، اس کو بعد میں ضعیف قرار دیا ربانی اور دیگر علماء نے، بعد میں کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، کہ انزل علی شیث خمسون صحیفہ، کہ شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے گئے، 50 صحیفے۔ आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में वफा से 11 दिन पहले एक वसीयतनामा लिखकर शीस को दे दिया था मुअल्लिफ के मुताबिक, और कहा था कि तू अपने भाई काबील को ये वसीयतनामा दिखा, पता था कि वो हासिल है और नुकसान पहुंचाएगा, तूने उसको नहीं दिखाना। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम फौत हो गए, तो उनकी वफात के बाद उस वसीयतनामे के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम के बेटे खिलाफत के वारिस बने, हुकूमत के वारिस बने, और अल्लाह ने दावत देने की जिम्मेदारी को दी गई और नबूवत के मुकाम पर फाइज किए गए। ये पहले नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम के बाद। बाद मुअर्रखीन और मुहद्दिसीन के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम, इन पे 50 सहीफे नाजिल किए गए, और इनकी शरीयत में वो हुक्म नाजिल कर दिया गया जो कि पहले जायज था बहन भाई का निकाह,
तो शीस अलैहि सलाम की शरीयत में फिर ये हराम कर दिया गया, बहन भाई का निकाह फिर हराम हो गया, ये पहला हुक्म आया इनकी शरीयत में। और शीस अलैहि सलाम के जमाना में जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल नकल किया अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने, वल्लाह फरमाते हैं कि वला तबर्रजना तबर्रुज अल-जाहिलियत अल-उला, ए ख्वातीन ए नबी की बीवियो, तुम अपने घर वकर नफी बुयूतिकुन वला तबर्रजना तबर्रुज अल-जाहिलियत अल-उला, अपने घरों में करार से हो वकार से रहो और पहली जाहिलियत की तरह तुम बनाओ संभाल के बाहर ना निकलो। वल्लाह ने औरतों को कहा, नबी की बीवियों से कहा, वला तबर्रजना तबर्रुज अल-जाहिलियत, पहली जाहिलियत की तरह अपने आप बनाओ श्रृंगार करके अच्छा लिबास पहन के तुम बाहर मत निकलो मर्दों की महफिलों में। तो इसकी तफसीर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल नकल किया है, वो फरमाते हैं कि आदम के दो बेटों एक बेटे की औलाद और खानदान वो पहाड़ों पर रहता था और दूसरे का खानदान वो जमीनी इलाके में रहता था, यानी काबील का खानदान जमीनी इलाकों में और शीस का खानदान बास के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों के गिर्दो पेश के इलाकों में। तो शैतान जो है वो मैदान और जो पहाड़ी इलाके के लोग थे उनके मर्द खूबसूरत थे, औरतें खूबसूरत ज्यादा नहीं थी। जो मैदानी इलाका था एक काबील का औलाद काबील का खानदान, उनकी औरतें खूबसूरत थी मर्द खूबसूरत नहीं थे। पहाड़ी मर्द खूबसूरत थे और औरतें खूबसूरत नहीं थी, मैदानी औरतें ज्यादा खूबसूरत थी मर्द खूबसूरत नहीं थे। तो शैतान जो है वो काबील के उस खानदान के पास इंसानी रूप में आया क्योंकि उनमें शर ज्यादा था, उनके अंदर यानी कल्बी तौर पर फितरी तौर पर गुनाह की तरफ मैदान ज्यादा था। शीस अलैहि सलाम अपने इस दौरे नबूवत में जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, इस्लाह का फरीदा सर अंजाम दे रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ अमन सुकून था, अच्छे जमाने के लोग थे, यानी नबी की औलाद अभी पहली जनरेशन है, दूसरी जनरेशन अब शुरू हो रही है, तीसरी आ रही है, सारे अच्छे लोग हैं। कान नासु उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे, कोई शिर्क नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई शर फितना फसाद अभी नहीं है, अल्लाह का नबी शीज मौजूद है, दावत का काम अंजाम दे, सब तौहीद पर कारबंद है। लेकिन ये सारा शीज की औलाद में, और शीज को ये भी शर्फ हासिल है कि जितने भी इंसानियत के नसब हैं वो शीज तक जाते हैं, शीज से आगे फिर आदम अलैहिस्सलाम तक, यानी आदम की औलाद में सिर्फ शीज अलैहिस्सलाम की औलाद बाकी रही, बाकी सब बेटों की औलाद वो बाकी नहीं रही, सिर्फ उनका नसब नाम बाकी। अब जितने नसब चलते हैं सारी इंसानियत के वो शीस तक जाते हैं, फिर शीस से आदम अलैहिस्सलाम तक, ये शीस अलैहिस्सलाम है। और शैतान जो है उधर दूसरी तरफ काबील की औलाद थी, उनमें वो मैलान तभी तौर पर गुनाह की तरफ ज्यादा था क्योंकि वो कातिल था और फितरी तौर पर बदखू था, तो उनकी औलाद में वो फितरत पैदा हो गई। तो शैतान फिर उधर गया बुराई फैलाने के लिए और उसने क्या किया, इंसानी रूप में गया और जाकर उनको कहा कि मैं अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी मजदूरी करूंगा, मुलाजमत करूंगा, तुम्हारी गुलामी इख्तियार करूंगा, मुझे तुम खाना पीना दे दिया करना। उन्होंने इसकी मुलाजमत कबूल कर ली, तो वहां रहने लग गया उनके साथ और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुराई फैलाना शुरू कर दी। बुराई का तरीका क्या इख्तियार किया, उसने बांसुरी जाती, बांसुरी पहली बांसुरी इंसानी तारीख में शैतान ने औलादे काबील में इजाद की। बांसुरी की आवाज जब सुनी, बड़ी खूबसूरत आवाज, जो इंसान ने पहले कभी सुनी नहीं थी, उसकी आवाज में वैसे ही सहर होता है। तो जब इंसान ने सुना और लोग भी वो कौन थे जो फितरी तौर पर गुनाह के ज्यादा मैदान रखने वाले थे, वो उसके बड़े गदगदा हो गए, उसके गिर्द बैठने लग गए, उसकी आवाज सुनने लगे। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने यानी मौसीकी को शैतान की आवाज करार दिया। अल्लाह फरमाते हैं वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तता'ता मिनहुम बिसौतिक, ऐ शैतान तू जा जिसको चाह अपनी आवाज से गुनाह कर। ये गाना मौसीकी ये शैतान की आवाज है। तो इंसानी तारीख में पहली बांसुरी, और ये बात याद रखें कि हर गुनाह के पीछे शैतान का हाथ है। पहले आया, पहला कत्ल हुआ,
वो भी शैतान ने उकसाया उसको, फतवअत लहू नफ्सु, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बुला दिया और कहा कि देखो हाजी शर्तुल खुल्द, ये जो हमेशगी वाला दरख्त है, हव्वा अलैहिस्सलाम को उसने आमादा किया, वो उन्होंने फल खा लिया उसका, और फिर आदम अलैहिस्सलाम भी भूल गए और उनको भी उसने उकसाने की कोशिश की। तो ये हर ये दुश्मनी है फिर दिन से जो आ रही, और फिर जब बांसुरी याद होगी लोग सुनने लग गए तो ये आवाज दूर तक जाने लगी, दूर से लोग आना शुरू हो गए जो मैदानी इलाके थे, बात पहुंचती पहुंचती पहाड़ों तक पहुंच गई। वो पहाड़ी लोग और मुअल्लिख़ लिखा कि शीस की शरीयत में उनकी औलाद के लिए जायज नहीं था कि वो काबीर की औलाद से जाकर इख्तदार करें, उनके पास जाए, उनके लिए जायज नहीं था, उनको अलग रखने का हुक्म दिया गया था। लेकिन वो लोग नीचे, इनमें से एक शख्स नीचे आया और आकर इनको उसने बांसी की आवाज सुनी, गिना सुना, उसको बड़ी लज्जत महसूस हुई, तो वापस जाकर उसने बताया कि वहां तो बड़ा मेला लगा हुआ है, और जब वो बांसी होती और फिर वो उन्होंने सोचा कि हमको एक दिन मखसूस, लोगों को दूर से आना मुश्किल होती है, एक दिन मखसूस कर लेते हैं जिस दिन सब इकट्ठे हों उस दिन फिर हम ये बांसी बजाए। तो उन्होंने एक मेले का दिन मुकर्रर कर लिया, और जब मेले का, और शैतान ने साथ साथ जो आज आप जानते हैं हमारे यहाँ दुनिया में चल रहा है कि वो रैंप पर वो वॉक करती हैं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी अदाकाराएं और बड़े बड़े अच्छे लिबास का वो तशहीर होती है, एडवर्टीजमेंट होती है। तो ये शैतान ने काबीर की औलाद में शुरू किया, लिबास, भड़कीले लिबास, बड़े बड़े डिजाइन, सबसे पहला डिजाइनर जो है वो लिबास का शैतान है, उसने काबीर की औलाद में बड़े भड़कीले लिबास के उसने इजाद किए और औरतों को लिबास पहनवाए, औरतें तबज्जुद के साथ भड़कीले लिबास पहनकर अपने आप को मुजय्यन करके मेकअप करके खुशनुमा करके मर्दों के साथ आना शुरू हो गई। और जब दूर से लोग आना शुरू हुए फिर ये बुराई फैलना शुरू हो गई, लोग इकट्ठे होना, मेला सजना शुरू हो गया। तो शीस अलैहिस्सलाम की जो पहाड़ों पर लोग थे उनमें से एक शख्स आया, उसने भी देखा, उसने अगर बताया लोगों को तो लोग वहां से आना शुरू हो, शीस अलैहिस्सलाम को रोकते थे समझाते थे, लेकिन नसीहत का उन पर कुछ असर ना हुआ, हत्ता कि ये बात बढ़ती गई और बुराई फैलती गई, हत्ता कि वो बहुत बड़ा जुर्म, बदकारी और जिना वाला वो इसमें आगाज होना शुरू हो गया। अल्लाह इसी कहा वला तबर्रजना तबर्रुज जाहिलियत अलूला, पहली जाहिलियत की तरह तुम बनाओ संगत के बाहर मर्दों के पास मत आओ। ये पहली जाहिलियत जो काबीर की औलाद में शुरू दिन में शैतान ने आवाज सकला है। तो शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, सलाह करते रहे, लेकिन लोगों ने उनकी कान नसीहत पर कान न धरे, हत्ता के लोग इधर बढ़ना शुरू हो गए काबीर की तरफ, ये इधर मजमा ज्यादा लगना शुरू हो गया और उनके साथ लोग कम से कम होना शुरू हो गए। और ये था वक्त जबकि अल्लाह ताला ने उसके बाद फिर इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा, इदरीस अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम अपना जिम्मेदारी अदा करते रहे, लेकिन ये बुरा इतनी ज्यादा गालिब आ गई कि उनके बस में ना रहा। फिर उसके बाद उनकी आगे नस्ल से आगे यानी आदम अलैहिस्सलाम की, और ये कहते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम जो है नूह अलैहिस्सलाम के परदादा जद्दे आला थे वो, नूह अलैहिस्सलाम के। और इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पैदा हो चुके थे, उनकी जिंदगी ही में, और जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए तो इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 308 बरस थी, 308 बरस की, कितने आप खुद सोचते हैं लंबी उनकी उम्र थी, आदम अलैहिस्सलाम की उम्र की बात मतलब हजार साल थी, तो इदरीस अलैहिस्सलाम की उस उम्र 308 साल थी जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए। तो इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी, और इनका लकब था बड़ी मजबूत राय रखने वाला, बड़ा तजर्बाकार, बड़े समझदार थे, और अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने उनका पूरा हुलिया बयान किया, बड़े मजबूत जिस्म वाले थे, आंखें भी झुकी रहती थी, बड़ा सोच विचार रखने वाले थे, हमेशा फिक्र से काम लेते थे। और इदरीस अलैहिस्सलाम जिनको इदरीस, उनका असल नाम कहते हैं अखनूख था, अखनूख, लेकिन इदरीस नाम पड़ गया लिकसरती दिरासा, दिरासा कहते हैं पढ़ना लिखना पढ़ना, तदरीस, इससे उनका नाम इदरीस पड़ गया क्योंकि बहुत लिखने पढ़ने वाले थे,
ये हमको इंसानियत में हदीस शरीफ में आता है कि अव्वल मन खत्त बिल कलम इदरीस, हदीस शरीफ में आता है कि पहले जिसने खत लिखा कलम से लिखा, यानी कलम के मूजिद इदरीस अलैहिस्सलाम है। इससे हम अंदाजा कर लिए हमारा दीन जो है ये कितना इस पर उकसाने वाला है, कितनी इसकी तरगीब देने वाला है। अल्लाह के नबी ये कलम के मूजिद है, इदरीस अलैहिस्सलाम कलम के मूजिद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई वो क्या थी, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम पे। यानी नबी कलम का मौजूद है, हमारे नबी पर पहली वही पढ़ने के बारे में आई है। तो ये दीन ये हमारा तारीख पढ़ने पढ़ाने का नाम है और इसी पर दरजात है। हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ी ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते क्या बराबर हो सकते हैं। ये दीन था अल्लाह के नबी ये पैगाम दे रहे, पहला कलम जिसने इजाद किया वो इदरीस अलैहिस्सलाम है और उन्होंने कलम के जरिए पहली बार लिखा। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ज्यादा लिखने पढ़ने वाले और उनका वजूद चौड़ा सीना और जो है उनके चेहरे का हुलिया, उनका वजूद और उनकी आदात, उनकी खसाइस सारी अलामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में कसस अल कुरान में कसस नबी बयान फरमाई है। इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फिर दिया जिहाद का, जब नसीहत असर ना करे नबी समझाए नेक लोग समझाए और बुराई गालिब आ जाए तो फिर जिहाद। पहले नबी जिन्होंने किताल किया लड़ाई की वो इदरीस अलैहिस्सलाम है। इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिर जिहाद का हुक्म दिया, फिर इन्होंने उन शरीर लोगों से फितना परवर लोगों से लड़ाई की और बजोर शमशीर उनको गुलाम उनको कत्ल किया। और पहले नबी है जिन्होंने गुलाम बनाए, जिन्होंने गनीमत हासिल की, अगर ये गनीमत उनके लिए जायज नहीं होती थी, जितने भी नबी गुजर गए हैं उनके लिए माले गनीमत हलाल नहीं था सवाए हमारे वसल्लम के। पहले जो नबी होते थे या जिहाद में वो माले गनीमत मिलता उन्हें वो नेक लोग या अंबिया वो जमा कर देते और आग आती है उसको जला कर राख कर देती, उनके लिए माल गरीबत का इस्तेमाल हलाल नहीं था। लेकिन पहले नबी जिन्होंने जिहाद किया, जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने गुलाम लौंडियां बनाई, जिन्होंने माल गरीबत हासिल किया वो इदरीस अलैहिस्सलाम ने, और क्यों किया, इस बुराई जिना के मुकाबले के लिए जो कि शैतान ने मौसीकी और बांसी और गाने और जिना के जरिए उसने फैलाया। इसी का है ना कि ये जो गिना है ये बदकारी का कड़ा है और अल गिना युंबितु निफाक फिल कल्ब, ये गिना ये दिल में निफाक का बीज बो देता है। सारी बुराई इसके बारे हमारे यहाँ कहते हैं कि मौसीकी रूह की गजा है ना, और लोग कहते हैं ये मौसीकी रूह की गजा है, तो ये कौन सी रूह है, बदकारी की रूह की गजा है ना, गुनाह की गजा। तो इंसानियत में कत्ल के बारे दूसरा बड़ा जुर्म शुरू हुआ वो गिना और मौसीकी और बदकारी का आगाज हुआ। और इसके मुकाबले के लिए अल्लाह ने नबी भेजा इदरीस अलैहिस्सलाम जिन्होंने अगर जिहाद किया और किताल किया और अल्लाह ने माल गनीमत का उनको इजाजत दी और फिर वो माल गनीमत उनके लिए जायज नहीं था सवाए हमारे रसूल। तमाम नबियों की शरीयतों में माल गनीमत का इस्तेमाल हराम था और आपने फरमाया उहिल्लत लिल गनाइम, मेरे लिए अल्लाह ने माल गनीमत हलाल कर दिया। तो इदरीस अलैहिस्सलाम को ये भी शर्फ हासिल है कि अव्वल मन खाता बिखाता सिया, कि इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिन्होंने कपड़े सीने शुरू किए, अल्लाह ने उनको सिखाया कपड़े कैसे सीने हैं, तो कपड़े सीने का तरीका, कपड़े गिरा लगाने का तरीका, रफू करने का तरीका, कपड़े जोड़ने का तरीका, कपड़े सीने अल्लाह ने इदरीस को सिखाया और उन्होंने पहली बार कपड़े सिए। पहले नबी जिन्होंने कपड़े सिए वो इदरीस अलैहिस्सलाम, उससे पहले लोग पत्तों से ढांपते होंगे अपने आप को, खालों के लिए ढांपते होंगे या कुछ चीजें ऐसी ओढ़ लेते ऊपर अपने कुछ चीजें ओढ़ लेते होंगे, लेकिन कपड़ा सीना और उसको गिरा लगाना ये इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, पहले नबी है इदरीस अलैहिस्सलाम। उनके बारे आता है कि जब भी कोई टांका लगाते तो सुभानअल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल्वाहिद अल-अहद पढ़ते, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह पाक है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, वो वाहिद है। हर टांके पर
ويدعو لك سبحان الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد. تو یہ اس سے ہمیں نبیوں کے واقعے صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمیں ان کے ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. یعنی ہم جو بھی کام کریں نبیوں کو نمونہ سامنے رکھیں. اب نبی ٹکر لگا رہا ہے سب اللہ کا ذکر کر رہا، ہم سر کو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ہر لمحہ ذکر کرتے رہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کوئی جاب کرتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہر لمحہ ہمارے لیے یہ نبیوں کے واقعات نمونہ ہے کہ ہم بھی ہر اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی تعریف میں مصروف رکھیں. اور ادریس علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ اللہ نے انہیں وحی کی کہ ادریس تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو. کیا خوشخبری؟ کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، پہلے تو اللہ نے ذکر کیا سورہ انبیاء میں وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ، پہلا ذکر ان کا ہے سورہ انبیاء میں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کلٌ من الصابرین، تمام صابرین میں سے صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کیا. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بڑے نیک لوگ تھے. اور دوسرا ان کا تذکرہ سورہ مریم میں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ان کو تم ادریس کا قصہ سناؤ، ادریس کا واقعہ سناؤ، وہ بڑا سچا نبی تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پہ اٹھا لیا. بلند مقام یہی تھا کہ وہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے اللہ کا، تو اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا. اور کیا اللہ نے فرمایا کہ اے ادریس جتنے بھی لوگ نیک عمل کریں گے سب کے عمل میں ہم نے تجھے برابر کا شریک ہے. کتنا بڑا شرف تھا ان کے لیے، کتنے بھی لوگ. اور یہی جو ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعل، جو بھی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، جتنے وہ لوگ نیکی کریں گے، یہ ہم پر اتنا احسان کر دیا نا کہ ہم بھی کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، سمجھائیں گے، جتنے لوگ ہمارے کہنے پر سمجھانے پر عمل کریں گے سب کے نیکی میں اللہ نے ہم کو برابر کا شریک کر دیا. یہ بڑا بڑے شرف کی بات ہے. اسی طرح کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ان لوگوں سے کہے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور کہے اور نیک عمل بھی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ بہت بڑے شرف، ہم میں سے ہر شخص کو اس کی حرص ہونی چاہیے کہ ہم دن ہر روز کسی نہ کسی کو دعوت دیں دین کی. ہمارے بھائی ہمیں بڑی کوشش کرتے ہیں ہمارے اس کے حوالے سے، تو ہم روز کسی نہ کسی کو اللہ کا دین کا پیغام پہنچائیں. دلوں کا اثر کرنا اللہ کے کام ہے، ہمارا کام صرف اللہ کہتے ہیں انما علیک البلاغ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف دین کی بات پہنچا دینا ہے. تو ادریس علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ نیک عمل کریں گے ہم نے تجھے ان کے برابر شریک کر دیا ہے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ہلال بن یساف کے حوالے سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں حاضر تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار جو ہے، یعنی وہ صحابی کو شرف نہیں مل سکا، لیکن وہ چونکہ یہود کے کتب کے بڑے عالم تھے، اسرائیلیات کے بڑے ماہر تھے، اس لیے جتنی بھی اسرائیلیات ہمارے پاس ہیں زیادہ کعب احبار کے حوالے سے آتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے اسے بڑا بلند مقام عطا فرما دیا، ہم نے اس کو اٹھا لیا بلند مقام پر، اس کا کیا معنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر وحی کی تھی کہ اے ادریس جتنے بھی لوگ نیک عمل کریں گے سب کے نیکی میں تجھے برابر کا ہم نے شریک کر دیا. یعنی اس زمانہ کے لوگ، اس قوم، اس امت کے لوگوں میں جتنے بھی عمل کریں گے ہم نے برابر شریک کر دیا. تو انہوں نے جو فرشتہ ان کے پاس آتا تھا، جو ان کا دوست تھا، اس سے ایک بار خواہش کا اظہار، آپ دیکھو نا حرص، دیکھو نبی کی کہ انہوں نے حرص خواہش کا اظہار کیا کہ اس فرشتے نے کہا کہ ملک الموت سے کہو کہ میری عمر مجھے موت نہ دے تاکہ میری لمبی عمر ہو جائے اور میری نیکی بڑھتی جائے. یعنی میں جتنے بھی زیادہ اسی حدیث میں اپنے خیر الناس من طال عمره وحسن عمل، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کی نیک عمل ہو. یعنی جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے نیکی میں ہمارے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو یہی حرص ادریس علیہ السلام کو تھی. اب اس روایت کو، اسرائیلی روایت ہے،
इस पर बाद में बहस भी की है। बहरहाल अल्लामा इब्ने कसीर इसको नकल किया है और कई उलमा ने इसकी तायीद की है, क्योंकि कुरान की इस आयत की तफसीर में कि वरफअनाहु मकानन अलिया, हमने बुलंद मुकाम पे उसको उठा लिया, इसका माना यह है हमने उसको उठा लिया बुलंद मुकाम की तरफ। तो कहते हैं इस उठाने का माना एक तो ये है कि उनकी दर्जात बुलंद कर दिए, नेकी में बहुत बढ़ा दिया। और उन्होंने जब ये बशारत सुनी तो फरिश्ते ने कहा कि मलकुल मौत से कहो कि मुझे भी मौत ना दे, मैं चाहता हूँ मेरी लंबी उम्र हो ताकि मैं ज्यादा आमाल अल्लाह के पास लेकर जाऊँ। तो उस फरिश्ते ने क्या किया, उनको अपने पैरों में छुपा लिया और आसमानों पर ले गया। वरफअनाहु मकान, हमने उसको बुलंद मुकाम पर उठा लिया। तो आसमानों पर ले गया और वहां मलकुल मौत से मुलाकात, मलकुल मौत से कहा कि इदरीस जो है वो चाहते हैं कि उनको तुम मौत ना दे और ताकि उनकी लंबी उम्र हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि इदरीस कहाँ है, उनका इदरीस मेरे पास है। उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इदरीस को चौथे आसमान पे उनकी रूह कब्ज करनी, मैं हैरान था कि मैं चौथे आसमान पे कैसे वो आएगा। तो वो कहाँ है, वो कह मेरे परों में छिपे का, तो उधर वो देख रहा था, उसके सामने उनकी रूह कब्ज कर दी गई। क्यों, और इसके बारे में कहा है, बाद में तो कहा है कि इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है, ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह उनके बारे में यही कहा ना, बरफअहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह उसको अपनी तरफ उठा लिया। और इदरीस के बारे में यही जुमला कहा, वरफअनाहु मकानन अली, हमने बुलंद मुकाम उसको उठा लिया। तो बात कहते हैं कि नहीं, वो उठाए गए थे लेकिन उनकी मौत होगी आसमानों पर जाकर। मलकुल मौत ने कहा मैं तो उसको ढूंढ रहा था, मैं तो सोच रहा था कि वो जो तो जमीन में है चौथे आसमान पर कैसे आएगा। तो उसकी रूह आसमानों पर कब्ज की बात के मुताबिक, अब इसको बाद इसको बहस भी की है, लेकिन कुरान की नस साबित है कि वरफअनाहु मकानन अलिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पर गए तो आपकी इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात हुई। जो हदीस जो सही बुखारी में है, जब आप आसमानों पर गए आपके आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इदरीस अलैहिस्सलाम से आप मानिए मैं चौथे आसमान पर गया तो मेरी इदरीस अलैहिस्सलाम, मुझे बताया गया ये इदरीस अलैहिस्सलाम, और आपने उन्होंने आपका इस्तकबाल किया कि मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह, नेक भाई और नेक नबी को मैं इस्तकबाल करता हूं, मैं खुश आमदीद कहता हूं, मरहबा कहता। इस लफ्ज से बाद में यह इस्तदलाल लिया है कि नबी अलैहिस्सलाम इदरीस की औलाद से नहीं है, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ना उन्होंने कहा मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह, नेक बेटे और नेक नबी को मैं खुश आमदीद कहता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि नेक बेटे और नेक नबी को मैं खुश आऊं, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मरहबा बिल अखी सालिह, मैं नेक भाई और नेक नबी को खुश आमदीद। तो बाद ने कहा कि इस लफ्ज से मालूम होता है कि आप इदरीस की औलाद में से नहीं थे, लेकिन बाद ने कहा कि ये उन्होंने तवाजन कहा कि मैं अपने नेक भाई को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि इस लफ्ज से ही मुराद हो बेटे नहीं थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर कराई। अब उनकी मौत क्या चौथे आसमान पे हुई है, दुनिया में हुई है, लेकिन अल्लाह ने उनको बुलंद मुकाम अता फरमाया, बरफअहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने दर्जात बुलंद कर दिए, नेकी में इजाफा कर दिया। और क्यों किया, उनकी कसरत जिक्र की वजह से, कसरत गौर व फिक्र की वजह से, अल्लाह के दीन को नाफिज़ करने की वजह से, शरी फितना परवर लोगों के खिलाफ लड़ाई करने की वजह से, और जो पहला कलम ईजाद किया उन्होंने, इंसानी को बड़े बड़े तोहफे दिए, पहला लिबास उन्होंने कैसे बनाना है ये उन्होंने सिखाया उनको, इन लोगों को लिबास जोड़ना कैसे है, लिबास परोना कैसे है, और सुई कैसे चलानी, सारी उन्होंने अल्लाह के जरिए हम तक पहुँचाई है। और इदरीस अलैहिस्सलाम की उनके बारे में अपने उन पर 30 सहीफे नाजिल हुए अल्लाह अकबर, और वो भी अपने दीन को नाफिज़ करते रहे, यहाँ तक कि उनके ज़माना में दूसरा बड़ा जुर्म शुरू हो गया, और वो क्या था, शिर्क जैसा, उसकी आगाज़ इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो गई थी। इंशाअल्लाह हम उस पर तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या में, क्योंकि वो बड़ा तफ़सील वाक़या है, तो ख्वाहिश यही थी कि इसके साथ लेकर वो मुमकिन नहीं है कि उनका वाक़या इसके साथ बयान हो, वो तफ़सीली वाक़या है, इंशाअल्लाह हम उस पर तफ़सील से गुफ्तगू करेंगे नूह अलैहिस्सलाम
और वो शिर्क का आगाज इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में ही हो गया था कि वो कैसे लोगों ने नेक लोग जो इनके जानशीन थे, इनके सहाबा थे, इनके साथी थे, और वो जब ऐसा ऐसा दुनिया से रुखसत हुए तो उनके जान उनके मोहब्बत रखने वालों ने कैसे उनके बारे में मुजस्मे बनाए और कैसे उनके साथ सजदा रेज हुए और कैसे उनकी मूर्तियां बस उनसे उन्हें खुदा मुश्किल कुशा बना लिया और फिर कैसे अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम भेजा तो इन चार इस्लाम तफसील लुत्फ करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन नबियों के वाकया से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, सिर्फ किस्से नहीं है, बल्कि इनमें हमारी बहुत सी इबरतें, नसीहतें, असबाक हैं और हमें वो सीरत पैदा करने की ज़रूरत है, उन जैसे खूबे पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इन नबियों की रिफाकत अता फरमाए, इनकी सोबत अता फरमाए और हम सबको खात्मा ईमान अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।